हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया स्टोन लेकर आई हूँ जिस पे आपको फिर से पेंट करना दिखाऊंगी मैं। ये स्टोन मुझे बीच पे मिला था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। इसे अच्छे से वॉश करके और इसे जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप कर सकते हैं। मुझे ये कलर पसंद था तो मैं ये कलर कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि सारी चीज जगह पर अच्छे तरीके से कलर होना चाहिए प्रॉपर, इसलिए इसे आराम से कलर करिए ताकि दूर से कहीं पर भी हमें डॉट्स दिखाई ना दें या डिसकलर ना दिखाई दे। ध्यान से इसे प्रॉपर तरीके से कलर करें और इसे ड्राई होने दें थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही है कि आप लोग आराम से जो भी चीज़ें आपके घर पे हो, वेस्ट चीज़ें पड़ी हो, पत्थर वत्थर जो भी स्टोन्स आपको मिले, आप उस पर छोटे छोटे चीज़ों में डेकोरेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो बहुत ही प्यारा दिखता है ये। फिर से आप पॉट के अंदर किसी भी पेड़ के साथ रख सकते हो या कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हो। अच्छे से कलर करना है, जितने भी दिख रहे हैं आपको वाइट कलर या ग्रे कलर भी नहीं दिखाई देना चाहिए। और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और आपको जो भी अच्छा लगे आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे ये डाली अच्छी लगी थी, मैंने एक अच्छा सा डाल बनाया है, उस पर वर्ड्स बैठी हुई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने वो पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है और मैं उसे कलर कर रही हूँ। बट इसमें क्या है ना, मेरे पास ज़्यादा कलर नहीं थे तो जो भी कलर मेरे पास थे, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो जो भी चीज़ें हैं मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उनसे ही मैं ये चीज़ें बना रही हूँ मेरे फ्री टाइम में। तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नई नई चीज़ें बना रही हूँ जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। मैं बाहर नहीं जा रही, जो चीज़ें हैं उन्हीं से मैं चीज़ें बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो बस ब्राउन कलर नहीं है इसमें, तो फिर मैं इसे पहले ब्लैक करूँगी, फिर इसके अंदर और भी कलर ऐड करूँगी ग्रीन रेड, ताकि ये जो भी चीज़ें हैं लकड़ी का कलर हमें दिखाई दे, वुड का कलर दिखाई दे। एक पेड़ की डाली है, इसको मैंने कलर कर लिया है लाइट ब्लैक कलर से और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन करूँगी, थोड़ा सा ट्री का इफेक्ट देने के लिए, ग्रीन ग्रीनिश दिखता है ना ट्री, तो वो इफेक्ट देने के लिए मैं इसे ग्रीन करूँगी और उसके बाद लाइट हल्का हल्का रेड कर दूँगी ताकि वो ब्राउनिश और ग्रीन ब्राउन और ब्लैक दिखाई दे, रियल रियल प्लांट्स की तरह दिखाई दे। वो वैसे आप डार्क ग्रीन भी रख सकते हो, डार्क ग्रीन भी रख सकते हो, आप आपकी मर्जी है। आराम से करना है कलर, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ, बट आप बिगनर्स हो तो आपको बहुत ईजीली तरीके से स्लो स्लो करना है, आराम आराम से करना है ताकि कलर बाहर ना निकले, क्योंकि हम इस पर रेज नहीं कर सकते हैं ना वॉश कर सकते हैं, फिर स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कर लिया कलर, छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं वो हम लास्ट में करेंगे, पहले नॉर्मली जो कलर्स हैं उसे हम कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट ब्रश से हम इसे लीव्स बनाना शुरू करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ब्रश से नहीं कर सकते तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो और फिर लीव्स बनाना स्टार्ट करो। बट स्टोन पे तो क्या है ना, आप नॉर्मली कैसे भी लीव्स बनाओगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट ही ब्रश की सहायता से मैंने कलर कर लिया है, लीव्स बनाना शुरू कर दिया है। आपको छोटी लीव्स चाहिए छोटे बना सकते हो, थोड़े बड़े चाहिए आप बड़े बना सकते हो। रॉन्ग ना कर दो आप इसे, एकदम आराम आराम से करना है आपको, क्योंकि इसे हम मिटा नहीं सकते ना वॉश कर सकते हैं। अगर एक बार ख़राब हो गया तो आपको पूरा ही वॉश करके पूरा फिर से स्टार्ट करना होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप नॉर्मली धीरे 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 स्टार्ट करें, सब चीज़ें करें ताकि आप गलत चीज़ें ना करें, कलर रॉन्ग ना हो जाए, डिज़ाइन गलत ना हो जाए। तो आपने जो सोचा है उस चीज़ों को लेके आपको करना है। आप दूसरे रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, येलो ले सकते हैं लीव्स के लिए,
येलो के साथ ऑरेंज मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कलर कर सकते हैं आप। अब ये बर्ड्स मैंने बनाई है, चार बर्ड्स छोटी छोटी बनाई है, एक फैमिली की तरह बनाई है मैंने, तो इसको आप कलर कर सकते हैं बहुत ही, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे तो ब्लू कलर की बर्ड्स अच्छी लगती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, प्यारी सी लव बर्ड्स होते हैं जो ब्लू एंड येलो ऑरेंज टाइप के, तो मैंने वही बनाया है। आप देख सकते हो इसे बहुत ही आराम से कलर करना है, क्योंकि ये बर्ड्स बहुत ही छोटी हैं, क्योंकि बहुत छोटे से स्टोन पे हम कलर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसे बहुत ही आराम से, एकदम आराम आराम से कलर करना है, ताकि बाहर ना निकाल सके। फ्रेंड्स, छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है स्टोन पेंटिंग में, क्योंकि ये जो भी है इसमें हम जो भी बनाते हैं वो ईज़िली दिखाई देता है, तो अगर हमने छोटी छोटी गलतियाँ की तो ईज़िली दिखाई दे देगा। तो इसे बहुत ही आराम से और शांति से बनाना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और आपको ब्रश बहुत ही पतले वाला यूज़ करना है। कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लाइट कलर लग रहा है तो आप डबल कोटिंग कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा डार्क दिखाई दे। मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने इसे दो कोट किया है। अब इसके जो अंदर का इनर पार्ट है उसमें हम येलो येलो कर देंगे। बहुत ही आराम से करना है फ्रेंड्स, ताकि कलर बाहर ना निकले, क्योंकि ये लास्ट ही है, और अगर इसमें हमने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर पूरा ही पेंटिंग हमारा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से हमें धीरे धीरे करना है। अब इसके आईज़ बनाएंगे हम, आईज़ और इसके माउथ को बनाना है हमें, बहुत ही आराम से करना है। आप चाहिए तो पतले वाला ब्रश ले सकते हो फ्रेंड्स, मैं एक ही ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि मुझे हैबिट है। आप लोग एक ही ब्रश से मत करिए, आप इसे पतले वाला जो ब्रश है वो इस्तेमाल करें और उससे कलर करिए। और आराम से इसकी डिटेलिंग्स पे ध्यान दें, इसकी आँख और इसका फेस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली ही बना सकते हो आप इसे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने और पेंटिंग की है, बट मैं आपको वो दिखा नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं वही चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो मैं अभी बना रही हूँ लॉकडाउन में। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो मुझसे तो फिर आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी अगर मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो, क्योंकि अभी बाहर नहीं जा सकती मैं मार्केट, बस लॉकडाउन है और कोविड बहुत फैल रहा है, तो जो भी मेरे पास है अभी अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से बनाकर आपको दिखा सकती हूँ। टोटली मैंने कर लिया है, बट अब इसमें आउटलाइन करना बाकी है। अगर आप चाहें तो आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मार्कर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट ब्रश से ही इसका आउटलाइन और डिटेलिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, डिटेलिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान देना है कि ब्रश बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, और बहुत ही स्लो आपको
आपको आउटलाइन करना है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है फ्रेंड्स वहीं पे करना है, यूज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पेड़ में कर सकते हैं, वर्ड्स में कर सकते हैं। अगर आप लीव्स में करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही वो गंदा दिखने लगेगा, वो जो ओरिजिनल कलर है ग्रीन वो नहीं दिखेगा। तो उसको तो आप डाली में कीजिए। बहुत छोटी बनाई है मैंने, और इसे बहुत ही आराम से करना है। सारे ही बर्ड्स को कलर कर लिया है, आउटलाइन कर लिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसमें हम हल्का ऑरेंज कलर करेंगे और उसको स्प्रेड कर लेंगे। बर्ड बहुत ही प्यारी लगती है देखने में, आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये। मैं कभी कभी इसे फ़ोटो फ्रेम के साथ लगा देती हूँ, कभी इसे टीवी के पास रख देती हूँ, कभी मैं इसे पॉट में सजा देती हूँ, कभी प्लांट्स के साथ रख देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है स्टोन पेंटिंग, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं और दिखने में बहुत क्यूट लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं। ये मैंने भगवान के पास रखा हुआ है मेरे रूम में, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही